तो दोस्तों वो सारे स्टूडेंट जो कि यूपी बीएड करने के लिए काउंसलिंग करवाए थे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि यूपी बीएड का जो है वो सीट अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो जाइए और आप यह चेक कीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आपको सरकारी कॉलेज दिया गया है या प्राइवेट कॉलेज दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने थंबनेल में लगाया है कि यूपी बीएड से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना, तो आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर इस वीडियो में मैं आपको क्या चीज के बारे में बताने वाला हूं यूपी बीएड से रिलेटेड। जैसा कि दोस्तों, तो नंबर एक दोस्तों देखिए, आपने तो बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाया था, लेकिन वो स्टूडेंट जो कि काउंसलिंग इसलिए ही करवाए थे कि उनको केवल सरकारी कॉलेज मिलेगा तभी एडमिशन लेंगे, लेकिन दोस्तों उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिला है, तो उनको किस चीज़ को ध्यान रखना होगा। दूसरे नंबर में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने काउंसलिंग करवाया था कि सरकारी कॉलेज मिल जाए तो ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए तो भी ठीक है, मैं एडमिशन ले लूँगा, उनके लिए क्या करना है। और तीसरे नंबर में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने काउंसलिंग तो करवाया था लेकिन केवल और केवल उसमें आपने सरकारी कॉलेज ही ऑप्शन में चूज किया था, लेकिन आपको कोई भी कॉलेज नहीं दिया गया है, तो उन स्टूडेंटों के लिए क्या करना है। और चौथे नंबर में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप यूपी बीएड में काउंसलिंग करवाए थे और आपको कॉलेज जो है वो मनपसंद कॉलेज नहीं दिया गया है, आप उस कॉलेज में एडमिशन ही लेना नहीं चाहते हैं जिस कॉलेज को आपको अलॉट किया गया है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका डाउट है इसमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, यदि आपका इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वीडियो को अंत तक देखने बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों एक एक करके आपका सारा डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने भी यूपी बीएड के लिए काउंसलिंग किया था, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना फोटो जो है वो लगाया है काउंसलिंग वाला, मैंने भी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया था। जैसा कि आप यहाँ पे मेरा रैंक देख सकते हैं कि मेरा जो रैंक है वो 20,620 है, लेकिन मुझे सरकारी कॉलेज दोस्तों नहीं मिला है, मुझे एक प्राइवेट कॉलेज को अलॉट किया गया है। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि मैंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया था, मैंने जो ऑप्शन नंबर एक में कॉलेज की चूज किया था वो सरकारी कॉलेज था, मुझे सरकारी कॉलेज नहीं दिया गया है। मैंने जो दो नंबर पे कॉलेज सिलेक्ट किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो कॉलेज मुझे दिया गया है। तो दूसरे नंबर पे मैंने कॉलेज जो चूज किया था वो बुद्धा महाविद्यालय रतसिया कोठी देवरिया, इस कॉलेज को मैंने देवरिया में जो बुद्धा कॉलेज है उसे चूज किया था, तो ये कॉलेज मुझे अलॉट किया गया है। यह जो है एक प्राइवेट कॉलेज है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं को एजुकेशन, यह एक प्राइवेट कॉलेज है, तो ये मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला है, मुझे सरकारी कॉलेज नहीं मिला है, क्योंकि मेरा जो रैंक था वो थोड़ा सा ज़्यादा था दोस्तों। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि यदि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो मुझे 5750 रुपया देना पड़ा था, लेकिन 750 रुपया जो है वो यूनिवर्सिटी अपना रख लिया था और कॉलेज के पास मात्र 5000 रुपया ही आया है। तो दोस्तों यदि मैं चाहता हूँ कि मैं इस देवरिया वाला बुद्धा कॉलेज में एडमिशन लूँ तो मुझे और कितना पैसा देना होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं इसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मैंने तो ऑलरेडी 5000 रुपया काउंसलिंग करवाते टाइम दे चुका है, और दोस्तों मैं यदि 46,250 रुपया देता हूँ तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। मीन्स फर्स्ट ईयर का मैं जोड़ दूँ टोटल पैसा तो हो जाएगा 51,250 रुपया, ये मेरा फर्स्ट ईयर का फी है दोस्तों। यदि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मुझे ये 46,250 रुपया देना होगा, और इस एक्सेप्ट वाले जो है इस पे हमें क्लिक करना होगा। यदि मैं इस एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा तो ये जो है कॉलेज मेरा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके डाउट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका जो डाउट है, डाउट नंबर एक, आपने बीएड में तो अप्लाई किया था
और वो आपने अप्लाई किया था कि सरकारी कॉलेज मिलेगा तभी मैं एडमिशन लूँगा, लेकिन आपको सरकारी कॉलेज नहीं दिया गया है, एक प्राइवेट कॉलेज दिया गया है और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको सरकारी कॉलेज के लिए अलॉटमेंट करवाए थे लेकिन आपको सरकारी कॉलेज दिया ही नहीं गया है, तो आपको एडमिशन लेना ही नहीं है। तो आपको ये जो 5,000 रुपया है वो कैसे बचाना है दोस्तों, कि आपको ये जो 5,000 रुपया है वो मिल जाए, तो आपको सबसे पहले ध्यान इस बात को रखना है कि इस एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है दोस्तों, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये जो 5,000 आपका रुपया है वो आपको रिफंड, जब आप काउंसलिंग करवाए थे उस समय जो अकाउंट डाले थे उसी पे रिटर्न आ जाएगा। ये दोस्तों पैसा कब तक आएगा, तो जब पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में। तो वो स्टूडेंट जो ऑप्शन नंबर एक कैटेगरी में थे कि उनको केवल सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना था, उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था, तो उनके लिए दोस्तों ये तरीका था कि आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है तभी ये आपका 5,000 रुपया मिलेगा, नहीं तो ये 5,000 रुपया आपका डूब जाएगा यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो। दोस्तों अब चलिए हम दूसरे नंबर वाले स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि बीएड में एडमिशन लेना चाहते थे, यदि चाहे वो सरकारी कॉलेज मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको कॉलेज जो है वो मिल गया है लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं मिला है, प्राइवेट कॉलेज मिल गया है, यदि आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये 46,250 रुपया पेमेंट करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, आप किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं। आपको पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर कॉलेज में जाना है, आपका इस कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा दूसरे नंबर स्टूडेंट जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको जो भी कॉलेज मिल गया है उस कॉलेज में। अब चलिए दोस्तों हम तीसरे नंबर स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि अप्लाई तो किए थे कि सरकारी कॉलेज मिलेगा तो एडमिशन लेंगे और दूसरा कॉलेज ऑप्शन में वो चूज ही नहीं किए थे और उनको सरकारी कॉलेज मिला ही नहीं है, मीन्स उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, तो उनको क्या करना है। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको सरकारी कॉलेज नहीं दिया गया है, तो आप तो सेकेंड राउंड में अपना काउंसलिंग फिर करवा सकते हैं, आपको ये 5,000 रुपया जो है वो नहीं देना होगा और फिर जो प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा उसमें आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यदि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, दोबारा काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ दिन वेट करना है जब तक कि बीएड में टोटल काउंसलिंग खत्म हो जाए और एडमिशन का डेट खत्म हो जाए, फिर आपका जो ये 5,000 रुपया है वो रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब चलिए दोस्तों मैं चौथे नंबर स्टूडेंट के बारे में बात कर लेता हूँ कि वो स्टूडेंट जो कि यूपी बीएड के लिए काउंसलिंग तो करवाए थे लेकिन उनका मनपसंद कॉलेज जो है वो नहीं मिला है, तो उनको क्या करना है। तो दोस्तों यदि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, सबसे बड़ी ध्यान यह रखना है कि आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो यदि आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये 5,000 रुपया आपका डूब जाएगा यदि आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। आप जब सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा तो उसमें काउंसलिंग आपको करवा लेना है, ये 5,000 रुपया आपको उसमें नहीं देना होगा और फिर आपका जो मनपसंद कॉलेज होगा वो कॉलेज ऑप्शन में चूज कर सकते हैं और फिर आपका कॉलेज अलॉट किया जाएगा, तो उस समय आप एडमिशन ले सकते हैं ताकि ये 5,000 रुपया आपका सेफ रहे दोस्तों। ये तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूपी बीएड से रिलेटेड जो भी डाउट था वो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और यदि आपका यूपी बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।